वेलकम टू ट्रक स्पार्क। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं मेसी फर्ग्यूसन के स्मार्ट सीरीज के 245 डीआई के बारे में। आप आज अपन रिव्यू करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करें दोस्तों इसकी प्राइस से, तो यहाँ पर कंपनी इसको 6.5 लाख से लेकर 6,80,000 तक इसकी प्राइस रहती है। और भी बात करें इसकी वारंटी की, तो कंपनी आपको 2 साल और 2200 घंटे की यहाँ पे आपको वारंटी दे रही है। ये वारंटी आप एक्सटेंड करवा सकते हो कंपनी से। तो दूसरी साइड का व्यू कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें आपको मेसी फर्ग्यूसन 245 डीआई की शानदार ब्रांडिंग दी हुई है। अब बात करें इसके फ्रंट से, तो फ्रंट का ओवरऑल लुक कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें आपको काफ़ी शानदार हेडलाइट दी हुई है। यहाँ पे मेसी की यहाँ पे ब्रांडिंग लगी हुई है। सामने यहाँ पे आपको जाली मिलेगी रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। यहाँ पे आपका बम्पर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिंगल पीस बोनट मिलेगा, इसको आराम से एक फ्रंट के साथ से इसे ओपन कर सकते हैं। अभी बात करें दोस्तों इसके टायर की, तो यहाँ पे कंपनी ने इसके 6/16 के इसके अंदर कंपनी ने टायर यूज़ किए हुए हैं। 6/16 कंपनी ने टायर यूज़ किए हुए। वहीं बात करें इसके फ्रंट एक्सल की, तो यहाँ पे आपको नॉन एडजस्टेबल यहाँ पे फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, जो कि स्क्वायर टाइप का रहेगा। वहीं आपका पावर स्टेयरिंग की बात करें, तो यहाँ पर आपको ड्यूल एक्टिव पावर स्टेयरिंग यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया हुआ है। अब बात करें दोस्तों इसके इंजन की, तो कंपनी ने इसके अंदर 46 HP का इंजन यूज़ किया हुआ है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है और 2700 CC का आपका ये इंजन रहेगा। सिम्पसन कंपनी का इंजन आपको यहाँ मिलेगा। अब बात करें दोस्तों इसके फ्यूल सिस्टम की, तो यहाँ कंपनी ने आपके बोस का इनलाइन पंप यूज़ किया हुआ है, जो कि डबल डीजल फिल्टर के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल लुक साइड का इस तरह रहेगा। काफ़ी बड़ा इसके अंदर आपका साइलेंसर इसके अंदर यूज़ किया हुआ कंपनी ने, देख सकते हो आराम से। अब बात करें दोस्तों इसके फ्रंट से, देखिए तो यहाँ पे फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें आपको बैटरी के लिए यहाँ फ्रंट के अंदर दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पे एयर फिल्टर दिया हुआ, जो कि 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर फिल्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। वहीं आपका कूलेंट का टैंक दिया हुआ, छोटा सा कूलेंट टैंक आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड से ये बोनट ओपन होगा। वहीं बात करें दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे आपको 47 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको मिलेगा। यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे वो गार्ड दिया हुआ है, जिस यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे गार्ड दी हुई, जाली दी हुई है। यहाँ पे आपका सिम्पसन कंपनी की ब्रांड लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर रहेगा, देख सकते हो आराम से आप। यहाँ पे छोटा फ्यूज बॉक्स वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आपका स्टीयरिंग ऑयल पंप भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बात करें दोस्तों इसके क्लच की, तो यहाँ पे कंपनी ने आपको ड्यूल क्लच प्रोवाइड किया है। वहीं गियर बॉक्स की बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको पार्शियली कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है, जो कि 10 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका पार्किंग लीवर दिया हुआ, हैंड ब्रेक लीवर। यहाँ मैं बात करें दोस्तों इसकी PTO की, तो यहाँ पे क्वाड्रा कोर PTO यहाँ पे यूज़ किया हुआ कंपनी ने, जो कि 42 हॉर्स पावर का रहेगा, जो कि 6 प्लांट शाफ्ट के साथ आपको मिलेगा। ये आपको 540 RPM पर इंजन रेटेड पर आपको मिलेगा, जो कि मल्टी स्पीड और ग्राउंड स्पीड आपका रहेगा। यहाँ पे आपका लीवर रहेंगे, जो कि 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ है। यहाँ पे हाइलो का आपका लीवर रहेगा। यहाँ पे ऑल डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल करने के लिए लीवर दे रखा है। यहाँ सीट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे भी आपका लीवर दिया हुआ है। बात करें दोस्तों इसकी ब्रेक की, तो यहाँ पे कंपनी ने मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स ब्रेक यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपका प्लेन प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा, तो भी आपको दिख रहा है उस टाइप का आपका कंपनी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपका देख सकते हो यहाँ स्टेयरिंग व्हील रहेगा। यहाँ पे आपका काफ़ी शानदार स्टेयरिंग व्हील दिया हुआ कंपनी ने, जिसमें आपको टेफे की या मेसी की यहाँ पे ब्रांडिंग लगी हुई है। डिजिटल डैशबोर्ड मिल रहा है। सामने का ओवरऑल लुक कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ एरोडायनामिक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको मिलेगा बैटरी RPM मीटर और टेम्परेचर मीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि कंपनी के नाम से बताया कि इसे स्मार्ट सीरीज का ट्रैक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो की है आपको यहाँ पे स्मार्ट की मिलेगी, तो अपनी की से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप बटन इसका प्रेस करोगे तो यहाँ पे
एक काम करना, स्टार्ट करते ही जैसे मैंने इसको बंद किया तो बंद हो जाएगी, जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, दूसरी साइड आपको यहाँ पे छोटा सा टूल बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप इजीली अपने टूल्स रख सकते हो। यहाँ पे आपका पार्किंग लीवर है, यहाँ पे कुछ कंपनी की स्पेसिफिकेशन है आराम से आप देख सकते हो, जिसमें मल्टी स्पीड पीटीओ और ग्राउंड स्पीड पीटीओ यहाँ पे दिया हुआ है। बात करें दोस्तों इसके पीछे की टायर की, तो यहाँ पे आपको कंपनी 13/6/28 का टायर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है। मैं बात करें इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। वहीं आपको हैवी ड्यूटी रियर एक्सल आपको मिलेगा। इसके हुक को आप इसको अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका वार्निंग ट्रायंगल, बोतल होल्डर, यहाँ पे आपको सिंगल ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली पीछे की लाइट के लिए यहाँ पे आपको सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लिंकेज यहाँ पर मिलेगी, देख सकते हैं आपको अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो पीछे का ओवरऑल लुक कुछ इस तरह रहेगा, देख सकते हो आराम से। यहाँ पे पीछे की साइड यहाँ पे लाइट भी दी हुई कंपनी ने। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।